को कलंदरी मस्जिद से हम एक अमन का पैगाम निकाल रहे हैं, तो हमारे माजी भाई इसके बारे में मालूम देंगे हमको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में हमारा देश एक फैसला लेने जा रहा जो कि बाबरी मस्जिद केस पर फैसला होने वाला है, और ये फैसला हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत लेने वाली है, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहा जाता है। इसलिए हमारी सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उस कोर्ट के फैसले का एहतराम करें, उस कोर्ट के फैसले के खिलाफ ना जाए, चाहे वो कोर्ट हमारे हक में फैसला दे चाहे हमारे खिलाफ फैसला दे। अगर हमारे हक में फैसला देती है तो हमें सब्र शुक्र करना चाहिए, और अगर हमारे खिलाफ फैसला जाता है तो हमें भी सब्र करना चाहिए और अमन और शांति बरकरार रखना चाहिए। कोई ऐसा माहौल पैदा ना करे जिससे हमारे देश की साफ सुथरी हवा ख़राब हो जाए। और मैं आखिर में एक अहम बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये देश बहुत ही अमन और शांति वाला देश है, तमाम मज़ाहब का एहतराम इस देश में किया जाता है, और अल्लामा इकबाल ने तो बड़ी अच्छी बात कही थी कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। अस्सलाम वालेकुम।